और दोस्तों, मैं आशीष आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है हर्बल खाद। हर्बल खाद क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर आज चर्चा करते हैं। तो हर्बल खाद क्या है जानते हैं कि समस्त प्रकार की फसलों पर लगने वाले हानिकारक कीटों और रोगों की रोकथाम के साथ साथ फसलों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाली ये खाद होती है। इसके लाभ क्या होते हैं? हर्बल खाद का उपयोग जमीन में लगने वाले कीड़ों, दीमक, सफ़ेद लट के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फलों का बगीचा लगाने के इच्छुक किसान हर्बल खाद का उपयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फलों का बगीचा लगाने वाले, मिट्टी की संरचना में इसे सुधार होता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी में पलने वाले लाभदायक जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है? गाय का गोबर, नीम, आक, कनेर, धतूरे की पत्तियाँ, बरतुम्बे की बेल व फल, बनी बनाई टंकी या 6x3x3 फीट के आकार की एक टंकी, अन्यथा इसी आकार का गड्ढा। ठीक है, तैयार करने की विधि क्या है? गाय का गोबर जो 15-20 दिन से अधिक पुराना ना हो, नीम, आक, कनेर, धतूरे की पत्तियाँ, बरतुम्बे की बेल, फल को बराबर मात्रा में टंकी या गड्ढे में डालकर भली भांति मिला देते हैं। टंकी अथवा गड्ढे को पानी से भर दें। 15 दिन के बाद पूरे मिश्रण को पुनः हिलाएं, पानी कम हो तो और डालें। 15 दिन के बाद पुनः मिश्रण को अच्छी तरह मिला लें, आवश्यकता अनुसार पानी डालें। 7-7 दिन के अंतराल पर लकड़ी के डंडे से हिलाते रहें। 80 से 90 दिन में ये खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इस खाद को 10-15 दिनों तक धूप में रखकर सुखाने के बाद ही खेत में डालें। इसमें आप वेस्ट डिकम्पोजर जो NCOF बनाती है उसको भी डाल सकते हैं। उपयोग की मात्रा, प्रति बीघा 1 क्विंटल हर्बल खाद में 2 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इसका उपयोग करें। ठीक है, प्रति बीघा 1 क्विंटल हर्बल खाद में 10 क्विंटल गोबर की खाद मिलाकर भी काम में ली जा सकती है। तो ये थी आपकी हर्बल खाद, इसको आप बना सकते हैं और अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे भी आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।